नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, लेकिन उन्हीं माता पिता को इश्क के चक्कर में उन्हीं की औलादे अगर स्वर्ग पहुंचाने लगे तो फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या चंद दिनों का प्यार परवरिश पर भारी पड़ रहा है? क्या चंद वक्त का रिश्ता सालों के अटूट रिश्ते को कमजोर कर रहा है? क्या किसी से प्यार हो जाना उस प्यार को खत्म कर सकता है जो बचपन से बच्चों को माता पिता से मिला है? और क्या चार प्यार की मीठी मीठी बातें माँ बाप के उस दुलार को भुला सकती है जो 24 घंटे मिलता है? और क्या फोन पर अच्छी बातें कर लेना, मिलने पर मीठी मीठी मुस्कान दे देना, साथ में कुछ खा लेना, जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर लेना, क्या ये जन्म देने वालों पर भारी पड़ सकता है? समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा प्यार है जो दुनिया के सबसे अटूट प्यार को झुटला रहा है। और समझ नहीं आ रहा कि सवाल का जवाब क्या होगा कि एक बेटी इश्क में अंधी हो अपने ही प्रेमी के साथ माता पिता की हत्या करने को तैयार हो जाती है, वो भी इसलिए क्योंकि पिता उसके रिश्ते को मंजूर नहीं कर रहा। सवाल यह भी है कि क्या कच्ची उम्र में बच्चों की सोच साजिश को जन्म दे रही है? आज बात इसी मुद्दे पर कि सावधान बच्चे बहक रहे हैं, लेकिन सावधान बच्चों को होना है या माता पिता को, यह भी समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे रिश्ते दिखाते हैं जो इश्क के चक्कर में पूरे तरीके से बिखरे हुए नजर आए, क्योंकि यहां इश्क के चक्कर में अपने परिवार के लिए किसी ने जान ले ली तो किसी ने अपने ही पिता को ठगने की कोशिश की। शुरुआत करते हैं झालावाड़ के साथ। 11 जुलाई 2022 यानी कि महज एक दिन पहले बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर खुद को पहले तो अगवा किया और अगवा करने के बाद फिर 10 लाख रुपए की फिरौती की प्लानिंग की गई। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन कारण क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लड़के के साथ शादी करना चाहती थी और पिता इसको मंजूरी नहीं दे रहा था, घरवाले इसको मंजूरी नहीं दे रहे थे, तो अपने ही परिवार को ठगने की साजिश रच दी। कोटा के अंदर 9 जुलाई 2022 19 साल की बेटी ने पिता की हत्या करवाई, प्रेमी को 50,000 की सुपारी देकर हत्या करवाई, अपने ही पिता की हत्या करवा दी। कारण पिता की नशे की लत से परेशान बताई जा रही थी बेटी, ये कारण है, लेकिन कारण और भी बहुत रहे होंगे। बिहार के अंदर 15 साल की बेटी ने पिता की हत्या कर दी, और हत्या किस तरीके से की उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 18 बार चाकू मारा है अपने पिता को, 18 बार चाकू मारा है। और कारण क्या है, कारण जरा समझिए, पिता इस रिश्ते का विरोध कर रहा था तो अपने ही पिता के सीने में 18 बार खंजर घोप दिया गया। जयपुर 2019 15 साल की बेटी ने पिता की हत्या की और फिर जला दिया, अपने ही पिता को जला दिया। इसके पीछे का कारण भी यही कि जो पिता है वो बेटी की लड़के से जो दोस्ती थी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहा था, उससे वो नाराज था और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। जरा सोचिए कौन पिता ऐसा होगा अगर बेटा कमाता नहीं है, जिसे रिश्ता वो करना चाहती है, अगर वो उसको संभाल नहीं पाता वो अपने कलेजे के टुकड़े को उसको दे देगी, ये बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ 17 जून बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी, कारण यहां भी पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सी चीजें हैं। कानपुर के अंदर घटना घटी, कानपुर के अंदर जो घटना घटी वो भी बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि 6 जुलाई 2022 बेटी ने मां और बाप दोनों को ही जहर दी, जिनको जन्म दिया उन्हीं को मार डाला गया। कारण परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और एक बार फिर प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार को खत्म करने की तैयारी की। आपको ध्यान होगा 15 अप्रैल 2008 एक घटना घटी थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दरअसल प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया था। परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर परिवार में जिन्होंने आपको जन्म दिया है अगर वो आपसे नाराज, आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे, तो क्या आप उनकी जान ले लेंगे? जिन्होंने जन्म दिया क्या उन्हीं की जान ले लेंगे? समझ नहीं आ रहा कि सावधान बच्चे बहक रहे हैं, लेकिन
इसमें सावधान बच्चों को होना है या माता पिता को अपने ही बच्चों से होना है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिभावक के तौर पर पूजा अग्रवाल जी जुड़ी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी जुड़े हैं, निशित दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं अधिवक्ता आईटी मामलात के, और हमारे साथ अनिता गौतम जी जुड़ी हैं मनोचिकित्सक। अनिता गौतम जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि यहां हम सावधान किसको करें, उन बच्चों को जिनको पाल पोस कर बड़ा किया है या उन माता पिता को जिनको ये नहीं पता कि कल उनकी हत्या उन्हीं के बच्चों के हाथों हो जाएगी? काफ़ी दुखद घटनाएं हैं जिनका आपने जिक्र किया है कि जिनके अंदर बच्चों ने ही अपने माँ बाप को मारा है, और वो भी किस लिए कि कुछ दिनों की रिलेशनशिप के लिए उन्होंने अपने माँ बाप को ख़त्म किया। कारण बहुत सारे हैं कि कारण उनका मेंटल स्टेटस क्या था जब उन्होंने इस कदर इस घटना को अंजाम दिया। क्या वो इतना ज़्यादा उस रिलेशनशिप के लिए इतने ज़्यादा थे कि मेरे को ये रिलेशनशिप चाहिए कि मैं अपने प्रेमी के साथ करूँ ही शादी करूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने माँ बाप को ख़त्म करें, या उस व्यक्ति ने उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया, या क्या कारण है वो अपने परिवार से दुखी थी, ये मैं अभी इस वक्त नहीं कह सकती क्योंकि हर एक घटना का हम एनालिसिस करते हैं कि क्या कारण से ऐसा हुआ। अगर हम बात करें एक जर्नल की, हमें अभी समझने की बात क्या है, समझने की बात सीधी तौर की है कि अभिभावक को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना चाहिए कि हाँ, हमारे समाज में अभी काफ़ी सारी घटनाएँ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से बच्चे का भटकना जायज़ है, या यूँ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या जो बच्चे को एक रस्ते से भटका सकती है। कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चे को लाइन पे रखना या अपने बच्चे से जुड़े रहना, या फिर अपने बच्चे में वो सारी बातें हम उनसे शेयर कर सके या बच्चा अपने से शेयर कर सके, एक जो कनेक्टिविटी है उसके लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स रहते हैं। हाँ, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, या बहुत सारे ऐसे कारण हैं। आज हम देखें कि समाज के अंदर एक एग्जैक्ट मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर मानकर चल रहा हूँ कि अगर किसी रिश्ते के बारे में परिवार को पता चलता होगा तो माता पिता समझाते ही होंगे, उनका तरीका अलग अलग हो सकता है समझाने का। बिल्कुल, क्योंकि हर एक वो थोड़ी अपनी बेटी को गला घोट कर मार देते। नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, पर फिर क्या कारण है कि बच्चा वो सब होने के बावजूद सामने वाले से इतना अट्रैक्टेड? योगेंद्र जोशी जी, सर कारण निकल कर सामने आते हैं या फिर ये कहा जाए कि किसी ने बस चार बातें मीठी कर दी और उस चक्कर में हत्या कर दी गई? देखो विजेंद्र जी, सोशल मीडिया तो पिता का रूप धारण करता है और स्मार्टफोन माता बनती है। इन दोनों के मिलाने से बच्चा बड़ा हो रहा है। आज छोटा बच्चा जैसे जिद करने लगता है, मैं तो मेरे मकान के चौकीदार को देखता हूँ कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं डेढ़ डेढ़ साल के, वो एक 2-3 हज़ार का लाया फ़ोन वो दे देता है और वो दोनों बच्चे, तीनों बच्चे उसको देखते रहते हैं जी। अब वो बच्चे 1.5-2 साल के हैं और वो देखते कौन सी चीज़ है? जो 15 या 20 साल के बच्चे जो एक्ट करते हैं उसमें, वो चीज़ें वो देखते हैं। तो स्मार्टफोन और ये मीडिया जो देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आजकल सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है। और माँ बाप पहले बच्चा जब परेशान होता था तो गोदी में लेना, पुचकारना, ये करना, अब वो ये काम नहीं करते हैं। जैसे ही बच्चे ने कोई टेंशन वाली बात करी, फट मोबाइल पकड़ा देंगे और वो मोबाइल देखने में बिजी हो जाता है, माँ बाप अपना काम करते रहते हैं। लेकिन सर, थोड़े समय बाद मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ, इसका असर तो अभी आगे दिखाई देगा। जिन बच्चों की हम बात करें और जिन्होंने हत्याएं की हैं, वो 20-25 साल के हैं। 20-25 साल पहले ये घटना ही नहीं हुआ करती थी कि हाथ में मोबाइल हुआ करता था, उस दौर की घटना ही नहीं है सर, वो तो अब बालिग हुए हैं। उसको मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इंसान की मेंटेलिटी जो वो देख रहा है उससे उसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर वो कंटिन्यूसली वही चीजें देखेगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, उसके लिए आप लड़ जाओ, उसके लिए आप हमेशा अपने माँ बाप के लिए खिलाफ खड़े हो जाओ, अगर वही सब चीज़ें देखेगा तो धीरे 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 उसके दिमाग में भी ये आ जाएगा कि जिसको मैं चाहता हूँ वही मेरे लिए सर्वोपरि है, और जो मेरे माँ बाप है अगर वो मेरे अगेंस्ट में है तो कहीं ना कहीं अब उनको खत्म करना है। लेकिन ठीक है, लेकिन पूजा अग्रवाल जी, अभी तक तो हम ये भी देखते थे मैम कि अगर परिवार उनके ऊपर फोर्स करता था, रिश्ते को नहीं मानते थे तो भाग जाया करते थे, कोर्ट मैरिज कर लिया करते थे, ये घटनाएं तो हमने देखी हैं। लेकिन अपने ही घर में अपने ही पिता को पहले खंसर घोप देना, फिर उसको जला देना, और इस तरीके की एक दो घटनाएं नहीं है। अब तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम यही रहेंगे, आपको जान से मार देंगे।
सर, फर्स्ट तो उसके लिए पेरेंट्स ही रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होनी चाहिए वो शायद अब ख़त्म हो गई है। पेरेंट्स को कहीं बाहर जाना होता है, वो अपने बच्चे को फ़ोन देते हैं और ठीक है वो निकल जाते हैं बाहर। पहले ये होता था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने साथ रखते थे। बहुत सारे रीजन सर ऐसे, हम 90% तो पेरेंट्स ही सर इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनको जिम्मेदारी अपनी, जैसे क्या होता है, एक बच्चा रोता है, जिद करता है, तो उसको वो उस चीज़ के लिए समझाने के बजाय फ़ोन दे देते हैं। सर 2 साल का बच्चा है, रो रहा है, अगर मदर को कहीं कुछ काम है तो वो जस्ट क्या करते हैं, उसको फोन देके वो वीडियो देखता है, उसको लत लगती है उस चीज़ की। 2 साल का बच्चा, मैं बार बार उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, 2 साल का बच्चा थोड़ी ना हत्या कर रहा है। सर 2 साल का नहीं कर रहा, पर वो एक जो कंटिन्यूटी बन रही है वही चीज़ बड़ों में हो रही है। अभी 2 साल का जो सर हमारा कोविड निकला है उसमें एजुकेशन भी हमारी ऑनलाइन रही है, तो उसमें बच्चे उस चीज के लिए हैबिचुअल हो गए हैं। उनको फोन क्लास के लिए दिया जाता था, उस टाइम भी सर बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं कि बच्चे क्लास लेने के बजाय टीनेज वाले बच्चे के साथ रोक रहा हूं, हो सकता है मेरा मुद्दा जो मैं उठा रहा हूं वो समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। मोबाइल की वजह से हत्या नहीं हो रही है, प्रेमी जो उसको समझा रहा है और जो परिवार ये कह रहा है कि हम आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं करें, इस चक्कर में हत्या हो रही है। मैं पहले या फिर समाज के बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मोबाइल के जरिए, हो सकता है वो कनेक्ट हो, पर सोशल मीडिया एक मेन कारण ये नहीं, माता पिता के साथ जो रिश्ता बच्चों का होता है वो इतना कमजोर हो चला है कि हत्याएं कर दे माँ बाप की। अगर मैं इसमें बात करूं तो सोशल मीडिया सिर्फ एक कारण है, बहुत सारे कारण है जिसके अंदर लोगों की मेंटेलिटी। अगर जैसे अभी अपन केस देखें तो ये 15 साल की बच्ची ने किया, 15 साल कितना होता है, छोटा सा बच्चा होता है जिसको 9th-10th class का मान लूँ, 8th-9th class का, जिसको सिर्फ एक होमवर्क करना, उसके लिए एक बहुत बड़ा वो होता है कि टास्क कि मुझे स्कूल से आना है, होमवर्क करना है, इसका क्लास में फर्स्ट आना है, दिस वॉज अ मेन एम कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, उसकी टेंशन ही यही है। अगर वो उस बच्चे को कोई प्रेमी भड़का रहा है या फिर उस बच्ची के साथ कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको माइंड वॉश कर रहा है कि नहीं तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रिलेशनशिप करो, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है कि बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती है, जो बड़ी उम्र के जिनकी विकृत मानसिकता होती है वो इन बच्चों को फुसला लेते हैं। स्पेशली जो ब्रोकन फैमिलीज हम कहेंगे, जिनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ टकराव है, जो अब बच्चे से कनेक्टेड नहीं है, या जिनके अंदर माता पिता अडिक्टेड हैं, या शराब की लत है, या जिनके अंदर बच्चों को घर के अंदर वो प्यार नहीं मिलता, वो सपोर्ट नहीं मिलता, या एक सुरक्षा की भावना नहीं मिलती, स्पेशली टीनेजर्स में, अगर वही बच्चे बाहर उनको कोई थोड़ा सा भी कह देते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम ये, मैं ये बात मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि जितने भी आंकड़े मैंने दिखाए उनमें एक बड़ा फैक्टर था कि जिनकी भी उम्र, जिन्होंने हत्याएं की है वो 19-20 साल से नीचे के बच्चे हैं, तो ये मान सकते हैं कि कच्चे घड़े को जो शेप दी गई उसमें अगर ये भी कहा गया कि मार दीजिए मैं आपके साथ खड़ा हूं तो उसके लिए तैयार हो गया। क्या होता है, निश्चित दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, निश्चित किस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं और क्या वाकई में आप ये मानते हैं कि जो दौर बदला है उस दौर ने सोच को बदल दिया है, क्योंकि यहाँ प्यार में नहीं कहूंगा, ऑब्सेशन कह सकता हूं, अट्रैक्शन कह सकता हूं, प्यार में जान दी जाती है, ली नहीं जाती किसी की। फिर चाहे हीर रांझा को पढ़ लीजिए, लैला मजनू को पढ़ लीजिए, उन्होंने जान दी थी, अपने माँ बाप की जान ली नहीं थी उन्होंने। इसमें जी या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे अभी मैं चर्चा में डिस्कस हो जाता है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफलाइन एक्टिविटी बच्चे की और ऑनलाइन एक्टिविटी बच्चे की, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ऑफलाइन एक्टिविटीज यस यू कैन सुपरवाइज, आप सुपरवाइज कर सकते हैं बच्चे का स्कूल का टाइम क्या है, वो ट्यूशन गया है, कब आएगा, या बाहर आउटडोर एक्टिविटीज कर रहा है, बट सबसे बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन एक्टिविटीज। एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, जिसको बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग। बच्चा साइबर स्पेस में किससे इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे अभी आप कर रहे हैं कि बच्चे ने मर्डर कर दिया, पेरेंट्स का कर दिया, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से किसी से इंटरेक्ट किया होगा। तो जो साइबर ग्रूमिंग है, बच्चे को कौन ग्रूम कर रहा है, कौन उससे इंटरेक्ट कर रहा है, कौन बातें कर रहा है, कौन उसको प्रलोभन दे रहा है, या मीन्स घर से मिलने का या किस ढंग से एक्टिविटीज करने के लिए इंडिसेंट एक्सपोजर का तक के केसेस हमने देखे हैं। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा आज की एक्टिविटीज़, बच्चों की एक्टिविटीज़ में, चाहे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, इनलाइन ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो,
साइबर स्पेस में बहुत बड़ा चैलेंज है, साइबर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को आज की तारीख में ये नहीं पता कौन से गैजेट्स बच्चों को दिए जाने चाहिए। हमारे यहाँ लॉ है कोई भी एप्लीकेशन बच्चा नहीं डाउनलोड नहीं करेगा, मीन्स 18 साल से उम्र का लोग ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्लिकर ऐप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चा क्या डाउनलोड कर रहा है, किससे इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों ने अपने अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के अकाउंट्स खोल रखे हैं यानी वहाँ एज फेक यूज़ किए, सिम कार्ड कोई पेरेंट्स ही इशू कराते हैं, मोबाइल भी पेरेंट्स के नाम से होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में एक्टिविटीज़ पर सुपरवाइज करना पेरेंट्स का दायित्व है। स्कूल बच्चा जाता है, स्कूल से बाद में आता है, उसकी एक्टिविटीज़ पर पेरेंट्स का दायित्व है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइबर स्पेस, साइबर हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को इंट्रैक्शन करना पड़ेगा, कौन से ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं, बहुत सी डेटिंग वेबसाइट्स पर बच्चे इन्वॉल्व हैं देखा गया है बहुत से केसेस में। तो साइबर ग्रूमिंग जो है, कौन उनको ग्रूम कर रहा है सोशल मीडिया में, ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके बेस पे बच्चों को हिप्नोटाइज किया जाता है, उनका माइंड को चेंज किया जाता है, जिसके कारण इतना बड़ा हीनियस क्राइम इस देश में हुआ जो कभी होता नहीं है। और आपको लग रहा है कि इस जद में जो आ रहे हैं वो दरअसल 20 साल से छोटी उम्र के हैं, जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगी में हो क्या रहा है, नए नए बदलाव आ रहे हैं और उनको वो स्वीकार करना चाहते हैं, अभिभावक चाहते हैं इनसे दूर है और इस चक्कर में उनकी जान ले लेते हैं। उनको लगता है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमें हमारी जिंदगी हमारे अंदाज में जीने नहीं दी जा रही। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए मैंने आपसे कहा साइबर डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, तो बड़ा तीन शब्दावली बड़ी इंपॉर्टेंट है साइबर स्पेस पे। साइबर हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइबर लिटरेसी, पेरेंट्स को साइबर लिटरेसी पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन से डिवाइसेस बच्चा कौन से एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है। उसके बाद साइबर डिसिप्लिन, क्या चीज आप यूज कर सकते हैं, किससे आप वार्तालाप कर रहे हैं, किससे इंट्रैक्शन कर रहे हैं, बच्चों को कौन से फेसबुक अकाउंट, बहुत से केसेस देखेंगे बच्चों के फेसबुक अकाउंट तीन चार चार फेसबुक अकाउंट बच्चों ने खोल रखे हैं, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। व्हाट्सएप अकाउंट खोल रखे हैं, किन किन लोगों से जुड़े हुए, इंटरेक्शन क्या है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आज की डेट में योगेंद्र जोशी जी पार्ट है, हम पेरेंट्स योगेंद्र जोशी जी सर, जब पुलिस इन मामलों की जांच करती है तो कुछ तो रिपोर्ट वो सबमिट करती होगी, क्योंकि अलग अलग तरीके के क्राइम बढ़ते हैं तो उसके कारणों को खोजा जाता होगा। क्या यहां ये सामने आता है कि टीन एजर्स बहुत ज्यादा इसके जद में आ रहे हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और क्या वाकई में जब इसकी जांच होती है सबकी तो प्यार ही निकल कर सामने आता है, ऑब्सेशन आता है? देखिए विजेंद्र जी, मैंने आपको ये बात कही कि जब बच्चों पे इस चीज़ का इतना असर होता है, जो 15 साल का बच्चा है जी, 16 साल का बच्चा है, वो जब इन चीज़ों को देखता है तो वो 20 साल 25 साल वाला व्यवहार करता है। आप देखिए 11 12 12 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उसका रीज़न क्या है? जो हमारा जो साइबर जो है ना ये सिस्टम उनको इस तरह से घेर लेता है कि वो उसके बिना रह नहीं पाते हैं। अब उसके अंदर जो भी हस्तक्षेप करता है, चाहे माँ करो, चाहे बाप करो, चाहे मित्र करो, उनको फिर वो अच्छा नहीं लगता। कारण ये है कि जब वो बच्चे होते हैं 15 साल के 16 साल के, जो चीज़ वो देखते हैं, अब आप बताइए इसमें आता क्या मोबाइल में, क्या आप 18 साल के हैं और उसने कह दिया यस, तो वो 18 साल का न होगा तो भी वो चीज़ वो देखेगा, तो इसमें कोई रोक थोड़ी है। रोकने के लिए माँ बाप की इच्छा शक्ति ही नहीं है। और ये मैं आपको बता दूँ कि अभी तो अपराध ये 15, 20, 25 साल के कर रहे हैं, आप देखना थोड़े थोड़े समय बाद नीचे आते आते 5-6 साल का बच्चा भी इस प्रकार के अपराध करने लगेगा, जब उसको आप मोबाइल से या इंटरनेट या सॉफ्टवेयर से इससे दूर करोगे। वो फिर पता है घर में बैठे बैठे चाकू का इस्तेमाल करेगा, वो घर में बैठे बैठे कांच की बोतलों का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए माँ बाप को सतर्क हो जाना चाहिए। और जैसे हमने देखा है, जांच की है, तो ये पता चलता है कि गांव की बस्ती की 10 या 12 साल की लड़की चली गई, तो उसकी माँ जब रिपोर्ट करने आई, जब मैं बनी पार्क में था, मैंने कहा भाई तेरी बच्ची तो बड़ी छोटी है, 10-12 साल की, क्या बात हो गई? कहा हुई तो लव हो गयो। मैंने कहा बस्ती की औरत है, बताओ ये करी हुई लव हो गयो, मैंने कोई बीमारी थोड़ी हो गई है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को इतनी जल्दी हम ग्रास रूट पर लेके आ रहे हैं, और ये मोबाइल और जो नेट है हमारे, जो हमें परोस रहे सामग्री, वो सामग्री छोटे बच्चों को मेच्योर बनाने में इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है कि आप उसको रोक नहीं सकते। रोकने के लिए माँ बाप रोक नहीं पाएंगे, स्कूल रोक नहीं पाएगा, और कानून इसको रोक ही नहीं सकता बिल्कुल किसी सूरत में भी। पूजा अग्रवाल जी, तैयार होना पड़ेगा। ऐसे में अभिभावकों की भूमिका इस बदलते दौर में क्या मानी जाए, क्योंकि शिकार अब अभिभावक होने लग गए हैं। सर, अभिभावकों को ये होना, एक तो क्लियर कन्वर्सेशन होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, कि कुछ भी अगर बात है तो पेरेंट्स को बच्चे को इस तरह से विश्वास में लेना चाहिए कि वो अपनी बात खुलकर अपने पेरेंट्स के सामने रख सके, कि
मेरा उनको बच्चों को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स से बढ़कर कोई अच्छा नहीं सोच सकता है। तो सेकेंडरी थिंग मैं ये चाहूँगी कि जब भी हम बच्चों को फ़ोन देते हैं या सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कराते हैं तो हमें बार बार देखना चाहिए, हिस्ट्री में जाकर चेक करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पर बात कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, उसने कितने अकाउंट बनाए हुए हैं। आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, तुरंत इंस्टॉल करते हैं ऐप, तुरंत अनइंस्टॉल कर देते हैं। जो दोस्त हैं उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है, बिल्कुल जानकारी आज की तारीख में जुटाई जानी चाहिए। बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। बच्चे तुरंत क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। हत्याएं कर रही हैं? नहीं नहीं, वो प्रेमी के साथ मिलती हैं, अकेले कोई नहीं करता है, हत्याएं करवाती हैं। उनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है कि उनको लगता है कि हमारे मतलब पेरेंट्स जब डांटते हैं तो कोई, वो ऑब्वियसली बात है 15 16 17 साल का बच्चा है, उसको अगर कोई, जो भी बच्चा जो डांटेगा चाहे वो पेरेंट्स है कोई घर का बड़ा है, तो उसको वही बंदा अच्छा लगेगा जो उसको प्यार से बोल रहा है। तो हमको इस तरह से अपने बच्चे से कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए कि वो हम ये ट्रस्ट करें कि पेरेंट्स अगर हमें डांट भी रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए ही डांट रहे हैं। सर इतना ट्रस्ट होना चाहिए। सर मैम क्या वाकई में आप ये देख रहे हैं कि जो ये घटनाएं हैं इसमें प्यार नहीं ऑब्सेशन या फिर अट्रैक्शन है और इस वजह से उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है और उसके दिमाग से कोई और खेल रहा है? ऑब्सेशन होता है, बहुत ही बारीक लाइन कहूँगी कि मैं लव और ऑब्सेशन में, लव के अंदर एक फीलिंग आती है जिसके अंदर हमें सामने वाला अच्छा लगता है, अट्रैक्टेड होते हैं, पर हम एक भावनात्मक रूप से उससे जुड़ते हैं। और ऑब्सेशन होता है कि एक जिद, नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला चाहिए, चाहे कुछ भी, चाहे इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स से अगेंस्ट में जाऊँ। अगर मैं इन सब घटनाओं को देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के अंदर एक जिद है, एक अट्रैक्शन है। वो बच्चा सामने वाले से इसलिए अट्रैक्टेड हुआ कि कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स अपने घर से कनेक्टेड नहीं है, सामने वाले की बातें इतनी उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी या इतनी ज़्यादा उसको, उसने सामने वाले को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किरदार कर दिया कि उसको पाने के लिए या उसके जो उसने कहा उसने अपने घर में कहा, चाहे तो वो ठगी हो, चाहे तो अपने पेरेंट्स का मर्डर हो। एक घटना है जिसमें उसने 18 बार चाकू मारा। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर, तो शायद वो 15 साल की बच्ची है, 15 साल का बच्चा 18 बार चाकू मारना, मतलब उसके अंदर कितनी कुंठा भरी हुई है कि उसने उस कुंठा को निकालने के लिए इतनी बार अटैक किया। तो कहीं ना कहीं अंदर जो अपने मन की घटना है, वो जो क्रोध रिप्रेस्ड हो जाता है, एक इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स जो रिप्रेस्ड हो जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। ठीक है, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सर ऑनलाइन बैरियर तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि 10-12 साल के बच्चों के ऊपर लगाना लगभग असंभव है, वो कहीं से भी यूज कर लेंगे जो उन्हें करना है। ऑफलाइन बैरियर की अगर बात करूं तो मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर परिवार ऑफलाइन बैरियर लगाने लगा, मसलन ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन में कौन कौन है, चलिए हम छोड़कर आते हैं, स्कूल में उसकी चेकिंग की जाए, उसके दोस्तों से मिला जाए, तो फिर तो बच्चों को यह लगेगा कि हमें बंदिशों में और ज्यादा बांधा जा रहा है। सॉल्यूशन कुछ दिखाई दे रहा है सर? सर इसका सॉल्यूशन यही है कि बहुत फ्रेंडली रखें अपने बच्चों को, उन पे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करें, क्योंकि देखिए अभी 2 साल पैंडेमिक हर व्यक्ति के लिए अपने आप में एक चैलेंजिंग रहा है जी। बच्चे हाइब्रिड मोड में भी थे, ऑनलाइन मोड में भी थे, एजुकेशन का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर भी उन पे है, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है, तो बहुत फ्रेंडली वे में बच्चों पेरेंट्स को सुपरवाइज रहना चाहिए, बच्चों को जरा सा नहीं लगना चाहिए कि वी आर अंडर सुपरविजन। हाँ यस, आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, उनका टीचिंग टाइम बढ़ाइए, उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, कल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, गिटार सिखवाइए और चीज़ें, आउटडोर एक्टिविटीज़ जिस दिन की एक्टिविटीज़, ताकि ऑनलाइन मिनिमाइज़ करिए, इंटरनेट मिनिमाइज़ कराइए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए मिनिमाइज़ कराइए, एक लिमिट, टाइम लिमिट सेट करिए कि बच्चे आपको 1 घंटा इंटरनेट यूज़ करना, उनके साथ बैठिए, साइकोलॉजिकली केसेस बताइए कि बेटा देखो ऐसे ऐसे होता है, ध्यान रखिए आपके साथ कोई ऐसे ट्रीट कर रहा है, जैसे हम बैड टच गुड टच बच्चों को बताते हैं, गर्ल्स को बताते हैं, सेम बताइए ऑनलाइन, बेटा कोई आपको ऐसी चीजें पूछ रहा है, पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस नहीं करिए, पता लगा पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डिटेल किसी को शेयर कर दिया है ऑनलाइन, जोमेटो से या कोई चीज मंगा लिया या वो फेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया, तो बच्चों के साथ पैसा चला गया, कमा लेंगे, वापस कमा लेंगे माता पिता, यहां तो जानी उनके लिए ली जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनिता जी आपका भी शुक्रिया, योगेंद्र जोशी जी और पूजा अग्रवाल जी हमारा आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। समाधान सिर्फ एक है कि माता पिता बच्चों के अच्छे दोस्त बन जाएं, ताकि जो नए नए तथाकथित दोस्त बनते हैं उनके बहकावे में आपके बच्चे ना आए, क्योंकि वो बहकावे में आते हैं तो आपकी ही जान ले जाते हैं। नमस्कार।